नमस्कार, आप देख रहे हैं NG24। आपके साथ मैं हूं सुनील विश्वकर्मा। आइए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दतिया में जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्रामीण क्षेत्र की 114 सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को उठाने के लिए कार्यकारी अध्यक्षों के रूप में 4 कंधे लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विधायक आरिफ अकील की उपेक्षा की है, जिससे जाहिर होता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा कर रही है। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि मोदी सरकार अब पाकिस्तान के चुनाव में भी छाई हुई है। पाकिस्तान के उम्मीदवार भी वोटरों को लुभाने के लिए मोदी सरकार का उपयोग कर रहे हैं। इससे साफ है कि मोदी सरकार के प्रति अल्पसंख्यक वर्ग का लगाव बढ़ा है। एक सौ चौदह कामों की भूमि पूजन शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। और जहां दो दलीय व्यवस्था होती है वहां तो वो ऐसा करते ही हैं। गुजरात के चुनाव में भी मस्जिद पे नहीं गए राहुल गांधी, जनेऊ डाले ऊपर कोट के भूल दे रहे, टोपी लगाई नहीं उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि हमने इनको ऐसी स्थिति में ला दिया है अल्पसंख्यक भाइयों को कि ये तो भाजपा को वोट दे ही नहीं सकते, हमें ही देंगे। और जब कर्नाटक का चुनाव हुआ वहां विकल्प के रूप में देवगौड़ा का दल था, तो वहां वो मंदिर भी गए और मस्जिद भी गई। अब मैं आ जाता हूं आपको मध्य प्रदेश लेके, तो मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी अध्यक्ष बन के आए तो वो गुफा मंदिर गए, उज्जैन के मंदिर गए, महाकाल बाबा के और दतिया की पीताम्बरा माई आए। आज तक एक भी मजार पे नहीं गए, क्योंकि यह दो दलीय व्यवस्था है, चार कंधे लगाए गए। लेकिन आरिफ अकील जी को नहीं बनाया गया, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके पास विकल्प ही नहीं है, इन्हें हमें ही वोट देना पड़ेगा, जबकि सबसे सीनियर एमएलए आदरणीय आरिफ अकील जी है। प्रतिबद्ध मतदाता वो ऐसा कहते हैं कि वो उनका है अल्पसंख्यक बंधु, लेकिन 5 में से एक भी इनको स्थान नहीं, यहां तक कि किसी प्रदेश की बॉडी में स्थान नहीं। जो आज मोदी जी के नाम पर अगर आप पाकिस्तान के न्यूज चैनल देखते हो नहीं देखते हो, तो मैं कहूंगा कार्यकर्ता से और यहाँ शिक्षित मतदाताओं से कि पाकिस्तान के चुनाव में भी मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। वहां कहा जा रहा है कि हम हिंदुस्तान जैसा विकास करेंगे, हम मोदी जैसा विकास करेंगे,